हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी चिकन करी, जो कि एक अलग ही स्टाइल से, अलग ही तरीके से बनाई गई है। तो आप देखना इसको कितनी अच्छे तरीके से और कितना आसान, मतलब ज़्यादा इसके अंदर कोई तामझाम नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें काम करना है, उसके बाद ही बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देखिएगा मैं इसे किस तरीके से बना रही हूँ, आप भी उसी तरीके से बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसे बनी है। तो चलिए इसे बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी चिकन करी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये देखिए, पहले हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, इस तरह फैला के डालते हैं तो उसमें ये होता है कि सब पीसों में चिकन बराबर लग जाता है। और ये हमें चाहिए कोई 150 ग्राम करीब दही। ये देखिए, हमने अच्छी तरह हाथ से मसल मसल कर इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखें। अब हम अपने चिकन की ग्रेवी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है और उसके अंदर हम ये खड़े मसाले डालेंगे। जैसे ये है हमारी 2 लाल मिर्च साबुत, ये है लौंग, 1 चम्मच हमारा जीरा, 3 से 4 मैंने तोड़ कर ले लिए हैं हरी इलायची, 2 मैंने ली हैं बड़ी इलायची, और ये है हमारी छोटा 1 चम्मच काली मिर्च, और 2 टुकड़े मैंने लिए दालचीनी। अब इन सारी चीज़ों को, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इन सब चीज़ों को हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह इन्हें कड़का लेंगे। ये हमने लिए 4 प्याज, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इस प्याज को हमारे को थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा हमें ब्राउन इसको नहीं करना है। और इसके अंदर हम, मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो मैं बाद में डालूँगी। अगर मैं अभी डाल देती हूँ तो वो चिपकने लगता है। अगर आप साबुत इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप 8 से 10 कलियाँ इसमें लहसुन की डालिए और 2 इंच इसके अंदर अदरक का टुकड़ा डालिए। अब इन सबको इकट्ठा हम पका रहे हैं। प्याज को थोड़ा सा हम सुनहरी करेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह हमारे को प्याज चाहिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 चम्मच मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका हम कच्चापन निकाल देंगे। प्याज को हमने काफ़ी हद तक पका लिया है, इसका सारा पानी जो है प्याज का वो सूख गया है, बस इसी तरह हमें चाहिए। अब हम लहसुन अदरक का भी कच्चापन निकाल के बस फिर गैस को हम कर देंगे बंद और हम इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। अब हम जब पंजाबी चिकन करी बना रहे हैं तो हमारे को कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, इसमें खुला पके प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो तेल हमने सरसों का ले लिया है, 1 बड़ी कड़छी, ये हम डालेंगे इसके अंदर तेज पत्ता। अब इसके अंदर हम डालेंगे वो अपनी मिक्स जो हमने प्याज लहसुन वगैरह का बनाया था, इससे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसको हमें बहुत अच्छी तरह भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अभी आपको ये लाइट कलर नज़र आ रहा होगा। 10 मिनट तक हमारे को इसकी भुनाई करनी है। जब हमने प्याज लहसुन को पीसा है तो इसको अंदर हमने ज़रा भी पानी नहीं डाला है। पानी डाल देते हैं तो ग्रेवी हमारी, जो मसाला पिसता तो है, वो अच्छा नहीं लगता है, बिखरा बिखरा सा लगता है। अब देख रहे हैं आप मेरा मसाला किस तरह उठा जा रहा है, ज़रा भी कढ़ाई को नहीं पकड़ रहा है। तो यही रीज़न है कि हमने इसके अंदर ज़रा भी एक बूंद भी पानी डाल के इसको नहीं पीसा है। तो हमने जल्दी से इसको भूनने का अच्छा तरीका ये भी होता है, अगर पानी डाल देते तो पानी जलने जलाने में हमें टाइम लगता है, तो उसमें पानी, मसाले की भुनाई नहीं होती, सिर्फ पानी जलता है। इसमें हमारा देखिए मसाला अच्छी तरह भुन रहा है, बस इसी तरह हम 5 मिनट और भूनेंगे इसको। ये देखिए किस तरीके से हमारा जो ऑयल है वो मसाले से सेपरेट हो गया है, तो यानी कि अब आप इसका कलर भी देख सकते हैं, एकदम डार्क हो गया है।
बस हमारे मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह मसाले के साथ चिकन को मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह हमारा जो मसाला है वो चिकन के साथ हमने मिला दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए कितना हमारे चिकन ने पानी छोड़ दिया है। देखिए ग्रेवी कितनी फर्स्ट क्लास लग रही है, कितना एक चमक सी हमारे चिकन में आ गई है। अब हमने इसके अंदर अपने थोड़े मसाले डाल लिए, क्योंकि अभी तक हमने कोई इसमें मसाला नहीं डाला है। ये हमारा है 3 चम्मच धनिया पाउडर, ये हमारी एक कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हमारा देगी मिर्च। इस सबको हम डाल देंगे इसके साथ। देगी मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तीन मीडियम साइज के हमने टमाटर डाले हैं इसके अंदर प्यूरे बना के, तो वो भी हम इसी के साथ मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास हमारा चिकन के ऊपर सारा जो रोगन है वो आ चुका है। अब हम इसके अंदर, हमें चिकन की जो करी है वो बहुत गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा हम इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे 1 कप के बराबर। पहले हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच नमक मैं डाल दूंगी, क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर भी नमक डाला था। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप इस करी को चख भी सकते हैं। अब ये हम इसके अंदर डालेंगे गर्म पानी। मैंने गर्म पानी डाला है क्योंकि इसकी कुकिंग जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो वह एकदम कुकिंग रुक जाएगी। गर्म पानी डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से मसाला हमारे हर पीस पे लिपटा हुआ है। तो अभी हम इसको और ढक के पकाएंगे थोड़ा। ये देखिए, आप देख सकते हैं सारा हमारा जो चिकन करी का रोगन है वो सब आ चुका है। इसका मतलब हमारी जो करी है वो अच्छी तरह पक चुकी है। आप देख रहे हैं मसाला किस तरह हमारी हर पीस पे लिपटा हुआ है। अभी मुझे थोड़ी तरी ना गाढ़ी लग रही है, इसको हम थोड़ा खोल के पकाएंगे। और इसी समय हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये 2 मैंने हरी मिर्च काटी है, और ये हम डालेंगे घर का कुटा गरम मसाला, जो कि मैं घर के अंदर खुद ही बना के तैयार करती हूँ। अब मैं इसको गैस को कर देती हूँ बंद, और 10 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल ढक के रख देती हूँ। जो हमारे मसाले हैं और जो भी तरी है वो हमारी सब एक साथ मिल जाए। ये लीजिए, हमारी चिकन करी तैयार है। कितनी झटपट बनने वाली, और ज़्यादा देर का हमने इसमें मैरिनेशन भी नहीं किया था, और सिर्फ घरेलू मसाले से बनी। कोई हमने इसके अंदर बाहर का एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला है, लेकिन इसके बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है, जब आप इसको खाएंगे। ग्रेवी कितनी बढ़िया है, दानेदार ग्रेवी बनी है। चाहे इसको आप चावल से खाइए, चाहे आप रुमाली रोटी से खाइए, चाहे तो प्लेन रोटी से खाइए, स्वाद इसका भरपूर है। तो चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।